मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज मामले में राज्यपाल ने मुख्य सचिव को किया तलब। भारतीय चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है मामला। मुख्यमंत्री के विधायक भाई बसंत सोरेन पर भी विधायक रहते माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने का आरोप। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार के नाम पर पत्थर लीज मामले के खिलाफ कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग। टेंडर मैनेज मामले में मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी की जांच शुरू। मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोविड-19 राशि घोटाले का आरोप, बर्खास्त करने की मांग। आय से अधिक संपत्ति मामले में गई बंधु तिर्की की विधायकी। सब महज एक संयोग है या होने वाला है कुछ बड़ा? क्या किसी चक्रव्यूह में फंस चुकी है हेमंत सोरेन की सरकार? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरे कैबिनेट और सत्ता पक्ष के विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भाई, इस तरह का जो मामला आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्व में 5 साल सरकार चलाई, उनका उन लोगों का जांच किया जाना चाहिए कि नहीं? अगर इतना ही अगर ये तो सभी लोगों का जांच होना चाहिए। बात बोलता है बड़ी बड़ी बात, सांच को आज क्या जांच करा कर देना चाहिए सभी लोगों का। सरकार पर लगातार बंधु जी सवाल खड़े हो रहे हैं, मुख्यमंत्री हो चाहे जबरदस्ती, जिस तरह से चुकी ये आदिवासी का बेटा है और संघर्ष का उपज है, लोग कई तरह का आरोप लगाते हैं। कौन सा गलत कर रहा है? क्या खनन पट्टा? आप अभी उसको आरोप सिद्ध कर लिए हैं? आप आरोप सिद्ध कर लिए हैं? आप कौन होते हैं कहने वाला? जब आरोप सिद्ध होगा तब बोलिएगा आप। कोई बात, आपको रेप किए सामने आ जाएगा, आप हो जाइएगा आरोपी, हो जाइएगा। इस राज को डुबाने का चक्कर करता रहा, आप ही जैसे लोग डुबाता है। कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है, और जो कांग्रेस में रहेगा तो कांग्रेस की संस्कृति से ओतप्रोत रहेगा, और भ्रष्टाचार में मामले में तो वो अवल नहीं। देखिए, जब वो जैसा करता है उसको फल वैसा मिलता है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कानूनी प्रक्रिया के बाहर अगर कोई काम करेगा व्यक्तिगत लाभ के लिए, परिवार के लाभ के लिए, आप खान मंत्री हैं और स्वयं पट्टा ले लीजिएगा तो ये कानून के परिधि में आएगा। आप जिस विभाग के मंत्री हैं, प्रोत्साहन राशि आप और अपने मंत्री को, संघ के लोगों को और सेक्रेटरी को आप बंटवाइएगा तो परिधि में आइएगा। एक के बाद एक मामला खुलता जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने प्रेस सलाहकार के साथ खनन पट्टा लीज मामले में फंसे हुए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री आलमगीर आलम पर टेंडर मैनेज मामले में डीडी का सिकंजा कसने लगा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोविड काल में घोटाले को लेकर चौतरफा घिरे हुए हैं। सारे मंत्री मुश्किलों में पड़े हुए हैं, लेकिन जब जीएन भारत ने सवाल पूछा तो उनका कहना था पार्टी में सब अच्छा है। झामुमो और कांग्रेस दोनों से उनके नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जब सवाल पूछा गया तो तकरीबन प्रत्येक मुद्दे पर मतभेद रखने वाली दोनों पार्टियों ने इस मामले में एक स्वर से बीजेपी को जमकर कोसा। नहीं, देखिए ये सब कवायद चल रही है, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कांके के विधायक की भी सदस्यता जाने वाली है, उसमें निष्पक्षता रखनी चाहिए। हम समझते हैं महामहिम के पास दोनों चीज़ें पहुंची हुई हैं, तो महामहिम को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो इस तरह की कवायद है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नस नस में है, और वो लगातार प्रयास करते हैं इससे हमारा कुछ नुकसान होने वाला है। साजिश तो रचते ही रहते हैं, इनका काम ही है साजिश रचना। साजिश रचने वाली पार्टी है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अरे सरकार 2.5 साल से जिस दिन से बनी है उसी दिन से गिरा रहे हैं लोग, और कितने गिर के इधर उधर हो गए किसी को पता नहीं है। जमीन खसक गई है तभी 9-9 मंत्री बुला करके जमीन पे उतारने का काम कर रहे हैं। अगर जमीन मजबूत होता तो मंत्रियों को उतारने की आवश्यकता क्या पड़ती? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।